स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश, उसमें यूनिट नंबर 2 की एक्टिविटी नंबर 4, यूनिट नंबर 2 एक्सप्लोरिंग पजल, उसकी एक्टिविटी नंबर 4 पढ़ाऊंगी। तो अडॉप्टेड फ्रॉम द सैंडबरी पजल्स एंड अदर क्यूरियस प्रॉब्लम बाय हेनरी अर्नेस्ट ड्यूडोनी, कॉपीराइट 1907। लॉन्ग अगो देयर वॉज एन इन वेयर पिलिग्रामिस ऑफन स्टॉप्ड ऑन देयर वे टू वर्शिप एट द फेमस सिरिन। तो बड़े टाइम पहले जब पिलिग्रामिस मानी जो यात्रालु होते हैं ना, जो यात्रा स्थल पर जाते हैं वर्शिप करने, तो वो वहाँ पर जा रहे थे, ऑफन वहाँ से जाते थे। तो ड्यूरिंग द लॉन्ग इवनिंग एज दे टेस्टेड फ्रॉम देयर जर्नी, तो उनके जो जर्नी के ये मुसाफरी के दौरान जब वो स्टे वहाँ पे रुकते थे, दे वुड टेल स्टोरीज एंड समटाइम्स अम्यूज ईच अदर विथ गेम्स एंड पजल्स। तो वहाँ पर वो सब साथ में मिलकर स्टोरीज और समटाइम्स वो एक दूसरे को पजल या गेम ऐसा वो खेलते थे वहाँ पर। ऑन वन इवनिंग द कंपनी ऑल टर्नड टू द पार्टनर, तो एक बार ये सब जो यात्रालु साथ में जो उनकी कंपनी है जो साथ में रहते थे वो सब पार्टनर के पास गए। तो पार्टनर्स मानी को जो जेंटलमैन होता है, जो माफ़ी देने वाला इंसान होता है जेंटल, वो तो आगे द जेंटल जो पार्टनर है उसका पजल यहाँ पर दिया है। तो पार्टनर्स पजल, द जेंटल पार्टनर हु हैड जस्ट अराइव्ड अ वेरी टायर्ड ऑल द वे फ्रॉम रोम बेग्ड टू बी एग्जिस्टेड। तो एक जेंटल पार्टनर था, तो अभी मुसाफरी करके आया था रोम की, और बट द कंपनी वुड नॉट स्पेयर हिम, तो जो कंपनी थी ना यात्रालु सब जो साथ में थे वो उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उनके साथ वो टाइम देना अपना बिताना चाहते थे, तो उनके साथ वो गए थे। तो फ्रेंड्स एंड फेलो पिलिग्रामिस सेड ही, तो उन्होंने ऐसा पार्टनर ने ऐसा बोला, मित्रों और फेलो पिलिग्राम्स यानी जो साथी जो आए हैं यात्रालु वो, सेड ही ट्रूली द पजल आई हैव मेड इज अ पुअर थिंग्स, तो मैंने एक सच पजल बनाई है, बट इट्स द बेस्ट दैट आई हैव बीन एबल टू क्रिएट, क्योंकि मैं उसको क्रिएट कर पाया हूँ। ब्लेम माई लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सच मैटर्स इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि आपको ये पसंद ना आए तो आपको ये आप ब्लेम कर सकते हो कि ये बराबर नहीं है, बट हिज इन्वेंशन वेरी वेल रिसीव्ड, पर उसकी जो इन्वेंशन थी वो बहुत अच्छी थी। ही प्रोड्यूसर्ड द कंपनी प्लान, उन्होंने एक कंपनी प्लान बनाया था, एंड सेड दैट इट सिम्बोलाइज 64 टाउन्स थ्रॉट विच ही हैड टू पास ड्यूरिंग सम ऑफ हिज पिलिग्रामिस, तो उन्होंने यहाँ पर 64 टाउन्स बनाए हैं जो पजल उन्होंने बनाया है उसमें, और वहाँ वो पिलिग्रामिस यानी यात्रा के स्थल बताए गए हैं उसमें, और वो पास ड्यूरिंग सम ऑफ हिज पिलिग्रामिस, और वो जो यात्रालु है ना उनके साथ में वो देता है। ही सेड द लाइन्स अ कनेक्टिंग द टाउन्स रिप्रेजेंटिंग रोड, तो उसमें जो बॉक्स बनाए गए हैं आप देखोगे बुक में जो पजल दी गई है उसमें बॉक्स बनाए गए हैं, तो उसमें जो टाउन्स है उसमें जो लाइन बताई गई है तो वो रोड बताया गया है वहाँ पर। ही एक्सप्लेन्ड दैट टू सॉल्व द पजल वन हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द लार्ज ब्लैक टाउन एंड विजिट ऑल द अदर टाउन्स वंस, तो वहाँ पर जो ब्लैक कलर का है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, दूसरे टाउन्स में आप जा सकते हो, एंड वंस ओनली, एक ही बार एक टाउन में जाना है इन 15 स्टेट पिलिग्रामेज, तो आप एक साथ में 15 जो स्टेट पिलिग्रामेज है वहाँ वो आप क्रॉस कर सकते हो। ही सेट द पजल व्हाट टू ट्रेस द रूट इन 15 स्ट्रेट लाइंस विथ योर पेंसिल, तो वहाँ पर पेंसिल से आपको जो टाउन में जाना है वो आपको बतानी है वहाँ पर स्ट्रेट लाइन में। ही सेड यू मे एंड वेयर यू लाइक, और आप चाहो वहाँ पर रुक सकते हो, बट नॉट दैट अ लिटल रोड एट द बॉटम हैज़ बीन ऑमिटेड इंटेंसली एंड इट इज़ द इम्पॉसिबल टू गो दैट वे, और वहाँ पर बीच में जहाँ पर रास्ता नहीं बना है वहाँ पर आपको जाना नहीं है। रीड द स्टोरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग द पार्टनर्स पजल, तो ये स्टोरी आपको बराबर पढ़नी है, उसको समझनी है, और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको ये पार्टनर्स पजल सॉल्व करना है। वर्क विथ अ पार्टनर टू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड टू सॉल्व द पजल, तो अपने पार्टनर के साथ मिलकर ये स्टोरी को समझना है, उसको पजल को सॉल्व करना है। ट्राई टू बी द फर्स्ट इन योर क्लास टू सॉल्व इट, पहले आप अपने क्लास में सॉल्व कर लो, इफ यू फिनिश लो क्विकली, आप जल्दी फिनिश कर लेते हो, तो गो एंड हेल्प अदर टू सॉल्व इट टू, तो आप दूसरों को भी ये सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी नंबर 4 फिनिश होती है।